वी आर ऑन द लास्ट सेशन इसमें हम लोग जो न्यू कोर्स के जो चैप्टर्स है न्यू कोर्स के चैप्टर्स है हमारा टारगेट रहेगा चार चैप्टर्स को देखने का ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट फिर ऑडिट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक ऑडिट ऐसे चार टारगेट रहेंगे देखते हैं कितना हो पाता है जितना हो पाता है उतना हम लोग करेंगे पूरी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग करें ठीक है पहला क्वेश्चन है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं जब बिजनेस के अंदर के प्रोसेसेस परचेस प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस सेल्स प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस ये अलग अलग प्रोसेसेस है प्रोसेस उसके अंदर की छोटी छोटी एक्टिविटीज प्रोसीजर्स जब बिजनेस के अंदर प्रोसेसेस उसके अंदर की प्रोसीजर्स ठीक है उसकी ये जो प्रोसीजर्स है फिर इसकी अकाउंटिंग और इसकी उपर, इसके ऊपर इसके बेस पे जो डेटा जनरेट होता है उसके डिसीजंस। जब बिजनेस के प्रोसेसेस, प्रोसेसेस के अंदर की छोटी छोटी प्रोसीजर्स ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस की ये ऑपरेशंस की ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग और इससे जो डेटा जनरेट होता है उससे डिसीजन लेना जब ये सारे काम कंप्यूटर के मदद से होने लगे कंप्यूटर बेस्ड होने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट इन उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरमेंट उसी को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं उसी को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं उसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसको बोला जाता है डेफिनेशन बहुत सारे ऑटोमेशन हर जगह पे आपको मिलेगा बैंक में पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है उसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं ऑटोमेशन करेक्ट पैसा निकालना है तो पैसा निकालना है तो पैसा निकालने का जो काम है वी इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर्स कंप्यूटर ही हमारा कार्ड चेक करता है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस देखता है हमारी रिक्वेस्ट को स्टडी करता है उसको अप्रूव करता है हमको पैसा देता है ए में इट इज ऑटोमेटेड शेयर मार्केट में सौदे ऑटोमेटेड तरीके से होते हैं टिकट बुकिंग ऑटोमेटेड तरीके से होता है की फीचर्स क्या होते हैं ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ठीक है ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में मैन्यूल इंटरवेंशन ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन कम होते जाता है कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है ह्यूमन इंटरवेंशन मैन्यूअल इंटरवेंशन कम होता जाता है कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव होता है और जितना कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव होता है बढ़ता जाता है उतना सिस्टम को बनाना डिज़ाइन करना और कॉम्प्लिकेटेड होता रहता है जितना ज्यादा ऑटोमेशन उतनी ज्यादा डिजाइनिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एक सिंपल सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना इज वेरी सिंपल थिंग लेकिन एक बड़े कंपनी में ई आर पी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर ई आर पी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर जो है ठीक है इट्स अ हाईली ऑटोमेटेड थिंग अब हम लोग जान चुके ऑटोमेटेड एनवायरमेंट क्या होता है वी नो वट डू मीन बाय ऑटोमेटेड एनवायरमेंट अब उसके फीचर्स फीचर्स को याद रखने के लिए एक वहां पे निमोनिक इस चैप्टर में थोड़े बहुत हमने निमोनिक यूज की क्योंकि फैक्टर्स हैं एल फ्लैश एल की जो फ्लैश पॉलिसी है उसके फीचर्स जोरदार है एल फ्लैश एल स्टैंड फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जब मैन्युअली काम होता था एक महीने मंथ के एंड में पता चलेगा स्टॉक का बैलेंस क्या है मंथ के एंड में तब तक पिछले महीने के बैलेंस से काम चला लो सिस्टम आने के बाद में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हर पल हर मोमेंट बैलेंस कितना हमको पा चल जाता है एल सेंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है ठीक है देन आई सेंड फॉर इंटीग्रेशन आपके आपका जो मार्केटिंग आपका जो मार्केटिंग प्रोसेस है आपका जो सेल्स प्रोसेस है आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है आपका जो परचेस प्रोसेस, प्रोसेस है ये सब आपस में इंटीग्रेट होके काम करते हैं इंटीग्रेशन है ठीक है ठीके? मार्केटिंग एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम मार्केटिंग जैसी बढ़ती है ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोडिक्ट करता है कितनी मार्केट में डिमांड आएगी अपने आप जो सेल्स टीम है सेल्स टीम वो हिसाब से अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने के लिए तैयारी शुरू करती है अपने आप जो प्रोडक्शन टीम है उनको जानकारी मिलती है प्रोडक्शन कब बढ़ाना है अपने आप परचेस टीम को पता चलता है कि रॉ मटेरियल परचेस कब लेना है इंटीग्रेटेड ठीक है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो अलग अलग काम है ये और साथ में क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आ जाते हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन और इंप्रूव हो जाता है और ये लोग एक साथ एक डायरेक्शन में काम करते हैं इंटीग्रेटेड साथ में मिलकर काम कोहेसिवनेस और बढ़ जाता है साथ में मिलकर और अच्छा काम कर पाते है इंटीग्रेशन होता है कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज दूर दूर तक बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दूर दूर तक हम लोग ठीक है, है दूर दूर के सप्लायर्स हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं दूर दूर के कस्टमर्स हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिस्टेंस दूर दूर तक हम कम्युनिकेशन कर सकते दुनिया के किसी भी कोने तक हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं क्वालिटी कम्युनिकेशन कर सकते हैं वी कैन डू क्वालिटी कम्युनिकेशन ठीक है नेटवर्क कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है हमारे नेटवर्क्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं हेवी डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉमेशन शेयरिंग कर सकते हैं ये भी बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो चुका है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग डिस्टेंस के हिसाब से भी और क्वालिटी के हिसाब से भी एल आईसी की फ्लैश एफ पर फास्टर बहुत फास्ट चीजें होने लगी है वेरी फास्ट कम्युनिकेट थिंग्स वेरी फास्ट एल सेंड फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हजारों ट्रांजेक्शन लेके आ आज फटाफट फटाफट प्रोसेसिंग होती है ठीक है ए सैंड फॉर डेटा प्रोसेसिंग में एक्यूरेसी भी है कंप्यूटर्स है ना साहब द प्रोसेसिंग भी है सिक्योरिटी भी है हम जिसको चाहे उसको एक्सेस ठीक है सबके यूजर नेम पासवर्ड है इसको इतना एक्सेस देना इतने पावर देना हमारे हाथ में सिक्योरिटी उसके कंट्रोल्स हमारे हाथ में रहते हैं ये भी फीचर्स है लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व ही कम है ह्यूमन बींग्स कम इन्वॉल्व है ह्यूमन बींग्स क्या है थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है ह्यूमन बींग्स को फटी जाता थक जाता है थकने के बाद गलती हो सकती है केयरलेस हो जाता है उसमें गलती हो जा सकती हो सकती है अनजाने में गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता तो ये लेटेस्ट देते हैं चीजें इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत फास्ट हो चुका है फास्ट इन्फॉर्मेशन फास्टर काम होता है ठीक है लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है एक्यूरेस इंफॉर्मेशन मिलती है सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्रूव हो गए हैं और ह्यूमन एरर्स कम हो गए ये सब फीचर्स है हमारे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट के देन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट हम पढ़कर है फंडामेंटल प्रिंसिपल है जितना ज्यादा ऑटोमेशन है उतना ज्यादा लेस एंड लेस ह्यूमन इंटरवेंशन है ठीक है फंडामेंटल प्रिंसिपल लेस एंड लेस ह्यूमन इंटरवेंशन मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाता है मोर एंड मोर ऑटोमेशन लेकिन इससे मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन सिस्टम डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन आती है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हम कवर कर चुके फर्स्ट पेज पे थे पहले हम लोग अब रेलेवेंस ऑफ आई टी ऑफ आई टी ट इज दिस रिलेवेंस ऑफ आई टी क्यू हम लोग हाथ धो के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ चुके हैं इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है वाई इज इट सो रेलिवेंट फॉर ऑडिटिंग अजीब सा उसका एक शॉर्टकट है मैंने बोला यहां पर हमने न्यूमोनिक्स यूज किया इस चैप्टर में हाईफाई सेस ठीक है, हाँ, हाँ है उसका सेस इज रेलिवेंट इन पी वी आर ठीक है अगर हाईफाई सेस गवर्नमेंट लगाती है पीवीआर पे तो रेलिवेंट है सही है करेक्ट ऐसी एक सिंपल था हाईफाई से रेलेवेंट है कहां पे पीवीआर में नाउ व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट एट स्टैंड फॉर हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस बिजनेस इतने हाईटेक हो चुके हैं करेक्ट बिजनेस इतने हाईटेक बिजनेस ही टेक्नोलॉजी बिजनेस ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है ठीक है फेसबुक इज इट इज टेक्नोलॉजी ओरियंटेड गूगल इट इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ओरियंटेडी है, है इससे टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्ट होगी देन हाई फाई नेचर ऑफ दिजनेस बिजनेस और, और ज्यादा ऑटोमेट होते जा रहे हैं बिजनेस और ज्यादा ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज करते जा रहे ठीक है थीके? बिजनेसेस आर बिकमिंग बिजनेस ऑनलाइन हो रहे और हाईटेक ऑनलाइन हो रहे वेबसाइट्स बना रहे ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे ठीक है ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहे ऑनलाइन आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर रहे ठीक है तो बिजनेस इतने ज्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इसलिए ऑडिटर्स के लिए यह टेक्नोलॉजी को समझना समझना और टेस्ट करना जरूरी हो गया बिजनेसेस आर यूजिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जितना ज्यादा बिजनेसेस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जितना ज्यादा जितना ज्यादा ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे उतना हमको टेक्नोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा रेलेवेंट हो जाएगा ठीक है देन सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन हैज इंक्रीज्ड ऑटोमेशन तो हो रहा है बट कॉम्प्लेक्सिटी इज हल्सो इंक्रीज। बैकग्राउंड में अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे सो मनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर एंड्रॉइड है आईओएस एस है लिनक्स है विंडोज़ है ये इतनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है अलग अलग इंक्रिप्शन है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन गलत नहीं होना चाहिए उसके लिए और चीज़ें लगते हैं सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अलग 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 प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग हार्डवेयर है अलग अलग सॉफ्टवेयर है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग ठीक है कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जा रही है साथ साथ में ठीक है कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जा रही है इसलिए इसको समझना जरूरी है इसको इंपॉर्टेंस देना इसको समझना जरूरी है ई स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ऑडिट एफिशिएंट और इफेक्टिव बन सकता है कम समय में आप अच्छा ऑडिट कर सकता है, इसलिए आपने इंपॉर्टेंस देना चाहिए और इसको समझना चाहिए एस स्टैंड फॉर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेसेस इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेसेस खुद अपना इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं दे आर यूजिंग ईआरपीज ई यूज कर रहे हैं अगर वो अपना काम करने के लिए ई यूज कर रहे हैं तो हमको उनके सिस्टम को समझने के लिए आईटी को समझना ही पड़ेगा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा एस स्टैंड फॉर इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है एस एसेज है 315 और बहुत सारे फुल फॉर्म है उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है जो स्टैंडर्ड्स है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है वो बोलते हैं कि ऑडिटर ने इन चीजों को समझना चाहिए इसलिए हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ठीक है पीवीआर कंपनी पॉलिसीज करेक्ट कंपनी कंपनी जो पॉलिसीज है उसका इंप्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी की मदद से होता है इस बंदे को इतने लिमिट के ऊपर सेल नहीं होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी की मदद से होता है इसीलिए हमको टेक्नोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इतना वॉल्यूमलेस डेटा है मैनुअल प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है सिस्टम आर मस्ट सिस्टम आर मस्ट इसलिए सिस्टम पर हम ज्यादा डिपेंडेंट है इसलिए उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आई इंटरनल कंट्रोल्स आर रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी इसलिए इसलिए सिस्टम को इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है तो क्वेश्चन को क्यों क्यों उसको इंपॉर्टेंस देना क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे क्यों हम उसको समझ रहे क्यों उसको हम टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ठीक है उसका एक शॉर्टकट था एच स्टैंड फॉर बिजनेस हाईटेक हो चुके हैं इसलिए सिस्टम्स इसलिए उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है देन सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बैकग्राउंड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाए हैं इसलिए इनको समझना जरूरी है ठीक है देन ई स्टैंड फॉर एफिशियंसी इफेक्टिवनेस बढ़ सकती ऑडिट की इसलिए इनको समझना जरूरी है देन एस स्टैंड फॉर ये लोग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग एप्लीकेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसलिए समझना जरूरी है देन अगेन एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स जो है अलग अलग वो बोलते हैं कि इसको समझो इसलिए समझना जरूरी है कंपनी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन सिस्टम्स के थ्रू इसलिए समझना जरूरी है वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है वो सिर्फ सिस्टम संभाल सकते हैं इसलिए समझना जरूरी है और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ऐसा करें इन सब चीज़ों की वजह से इन सब चीज़ों की वजह से हमको आईटी सिस्टम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम डेफिनेटली इंपॉर्टेंस कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है जहां पे ऑटोमेशन ज्यादा है वहां पे इंपॉर्टेंस ज्यादा है जहां पे ऑटोमेशन कम है वहां पे इंपॉर्टेंस कम है डेटा एनालिटिक्स की हम यूज ले सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे देन आईटी रिस्क का इंपैक्ट ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं वट इज द इंपैक्ट ऑफ द आई टी रिस्क ठीक है हम लोगों ने आज ही पढ़ा था आई टी रिस्क आईटी रिस्क के बारे में हम लोगों ने आज ही पढ़ा था कि रिस्क ठीक है आईटी रिस्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई रिस्क कितने आईटी रिस्क जो है करेक्ट आईटी रिस्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्स विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स बट इट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो अगर रिस्क बहुत बढ़ गई आई टी रिस्क मतलब सिस्टम रिस्क दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स विल फेल सिस्टम्स फेल हो जाएंगे सिस्टम्स फेल हो जाएंगे अपना काम बराबर नहीं कर पाएंगे तो आईटी रिस्क बहुत बढ़ गए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा ऑडिट पे हर जगह पे इंपैक्ट होगा हम लोग पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं वी गो फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उस पर इंपैक्ट होगा ठीक है हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के लिए जाएंगे और वहां पर हमको पता चलेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली दे आर नॉट रिलायेबल अगर आई रिस्क बहुत बढ़ गए सिस्टम फेल होने लग गए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको पता चलेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली जो पूरे कंप्यूटर जिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स जिस पूरे कंट्रोल को चलाते हैं उसको ऑटोमेटेड कंट्रोल बोलते हैं जैसे अगर डेटा को सेल करना कि नहीं करना ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक करता है इट्स अ ऑटोमेटेड कंट्रोल ये ऑटोमेटेड कंट्रोल है करेक्ट तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स ऑटोमेटेड कंट्रोल्स फेल हो जाएंगे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रिलायबल नहीं रहेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में अगर रिस्क अगर आईटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गई सिस्टम फेल होने लगे तो क्या होगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम देखेंगे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रिलायबल नहीं है हम उनपे हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते कैनॉट रिलाय ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स कैनॉट रिलाय ऑन आई डिपेंडेंट कंट्रोल आई डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब आई डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल मतलब आधा काम आई टी आई टी सिस्टम करता है आधा काम ह्यूमन बींग करता है एरर रिपोर्ट सिस्टम जनरेट करता है वो एरर रिपोर्ट को स्टडी करना एग्जामिन करना और करेक्टिफिकेशन ह्यूमन बींग करता है आई टी डिपेंड कंट्रोल वो भी क्योंकि आई टी सिस्टम भी रिलायबल नहीं है उसकी रिपोर्ट्स रिलायबल नहीं है तो वी के नॉट रिलाय ऑन आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल ऑल्सो आई टी रिस्क अगर बहुत बढ़ गई तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ऑटोमेटेड कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर सकते आई टी डिपेंडेंट कंट्रोल पर भरोसा नहीं कर सकते सिस्टम से जो डेटा सिस्टम के अंदर जो डेटा है उस पर भरोसा नहीं कर सकते सिस्टम्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि हम सिस्टम पे भरोसा नहीं कर पाएंगे तो हमको सिस्टम्स फेल हो जाएंगे तो जो सब्सटैंडिव चेकिंग है जो सब्सटैंटिव चेकिंग है टेस्ट ऑफ डिटेल्स है सब्सटैटिव चेकिंग है टेस्ट ऑफ डिटेल्स है वो हमको ज्यादा करने पड़ेंगे वट इज द इम्पैक्ट वट इज द इम्पैक्ट ऑन सब्सटैंटिव टेस्ट सब्सटैंटिव टेस्ट में सेम चीज रिपीट होली मैंने लिखा भी वहां पर ठीक है सिस्टम के अंदर के डेटा को हम रिलाई नहीं कर सकते सिस्टम की रिपोर्ट्स सिस्टम के डॉक्यूमेंट सिस्टम की रिपोर्ट्स जो जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते हमको सब्सटेंटिव टेस्टिंग का जो क्वांटम है वो बढ़ाना पड़ेगा सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं आई टी रिस्क बहुत बढ़ गई कंट्रोल्स आर गोइंग टू फेल डेटा इज नॉट रिलायबल परफॉर्म मोर सब्सटेंटिव टेस्ट सब्सटैंटिव टेस्ट में डेटा रिलायबल नहीं है परफॉर्म मोर सब्सटेंटिव टेस्ट रिपोर्टिंग में क्या होगा हमको टीसीडब्ल्यूजी को ये बातें बतानी पड़ेगी और हम लोग जो आई हम लोग जो इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो रिपोर्ट देते हैं उसमें भी बताना पड़ेगा दोस्त चार्जुद गवर्नेंस को बताना पड़ेगा और जो ऑडिट रिपोर्ट्स है ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें हमको ये गलतियाँ बतानी पड़ेगी सो दिस इम्पैक्ट ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद सब्सटैंडिव चाहिए होती है उस पर भी इम्पैक्ट है उसके बाद रिपोर्टिंग होती है उस पर भी इम्पैक्ट है हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है डेफिनेटली कितना इम्पैक्ट और डिपेंड करता है सिचुएशन पे अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा अगर किसी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है बहुत ज्यादा ऑटोमेशंस है बहुत ज्यादा आईटी डिपेंडेंस है वहां पे सिस्टम फेलियर हो रहा है वहां पे अगर सिस्टम फेलियर हो रहा है तो डेफिनेटली मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी देर विल बी टेरिफिक मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सबस्टैंड चेकिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ठीक है आईटी रिस्क इंपैक्ट, टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर हमको टेस्टिंग करनी है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिस्टम को टेस्ट करना है हमारे पास क्या तरीके चार मेथड्स है ब्रॉडली जिसमें सबसे कम एफर्ट्स लगते हैं सबसे कम एफर्ट लगते हैं आराम से अपनी जगह पे बैठ के सबसे कम एफर्ट लगते हैं जिसमें सबसे कम एफर्ट लगते, लगते हैं उसको सबसे एफिशिएंट बोलते हैं आराम से अपनी जगह बैठ पे सिर्फ लोगों से पूछताछ करते रहना उसको हम बोलते हैं इंक्वायरी थोड़ी मेहनत से बढ़ानी है धीरे-धीरे चलते चलते जाना सी हाउ पीपल आर वर्किंग ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और मेहनत करनी है डॉक्यूमेंट्स लेके पढ़ो इंस्पेक्शन और मेहनत करनी है आप खुद सिस्टम परफॉर्म रीपरफॉर्मेंस सबसे कम मेहनत इंक्वायरी उससे ज्यादा मेहनत ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा मेहनत आपका इंस्पेक्शन उससे ज्यादा मेहनत आपका परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे क्वालिटी एविडेंस सबसे क्वालिटी एविडेंस सबसे कम क्वालिटी इंक्वायरी उससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी ऑब्जर्वेशन उससे थोड़ी और बेहतर इंस्पेक्शन सबसे बेस्ट री परफॉर्मेंस तो अपोजिट है इंक्वायरी इज मोर इफिशियंट एंड री परफॉर्मेंस इज मोस्ट इफेक्टिव जो टेस्टिंग करने के लिए चार टाइप के टेस्ट है ठीक है इंक्वायरी सबसे एफिशिएंट है रिपरफॉर्मेंस सबसे इफेक्टिव है करेक्ट लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन दो आय है दो आय दो आय की जोड़ी सबसे बेस्ट है सबसे इफिशियंट और इफेक्टिव है कब कहां पे कौन सा यूज करना कब कहां पे कौन सा यूज करना डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स है पहले तो आपके कॉम्पोन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बेस में आता सबसे बेस में आता सबसे नीचे सबसे बेस में आता है कंट्रोल एनवायरमेंट उसके ऊपर कंपनी का इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फिर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज फिर उसका मॉनिटरिंग और इन सबको सपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमने कॉम्पोनेट देखे थे वी हैव सीन दिस यही कॉम्पोनेंट्स है यही कॉम्पोनेंट्स है ये कॉम्पोनेंट्स पे डिपेंड करता है कौन सा अगर ये कॉम्पोनेंट्स बहुत अच्छे हैं तो इंक्वायरी से बात चल जाएगी ये बेकार है तो हमको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी हमको ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन रीपरफॉर्मेंस करना पड़ेगा ये जो कॉम्पोनेंट्स है उस पर डिपेंड करता है कॉम्पोनेंट्स वीक है कम मेहनत करो इंक्वायरी चल जाएगी ठीक है नहीं कॉम्पोनेंट्स अगर स्ट्रांग है कम मेहनत करो इंक्वायरी चल जाए वीक है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी रिपरफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा करो जाओ रिमेनिंग हिस्टोरिकल डेटा बहुत बहुत ज्यादा अगर ये कॉम्पोनेट वीक है भैया मेहनत ज्यादा करो मेहनत ज्यादा करो रिपरफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ो हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि बहुत ज्यादा गलतियां होती है यहां पे फिर आप रिफॉर्म रिपरफॉर्मेंस की तरफ चलो करंट कॉम्प्लेक्सिटी हिस्टोरिकल करंट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है रीपरफॉर्मेंस की तरफ चलो ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए रीपरफॉर्मेंस की तरफ चलो जो असर्शन टेस्ट कर रहे हैं हम लोग ठीक है उसको चेक करना मुश्किल है कॉम्प्लिकेटेड है रीपरफॉर्मेंस की तरफ चलो एकदम सिंपल बात है एकदम ठीक है एकदम सिंपल बात है सिंपल स्ट्रेटफॉर्ड बात है कि अगर आपको ज्यादा एविडेंस चाहिए जितना ज्यादा एविडेंस आपको चाहिए जितना ज्यादा एविडेंस आपको चाहिए उतना आप रिपरफॉर्मेंस की तरफ मूव करते जाइए तो बहुत सिंपल चार मेथड्स है कौन सा सबसे इफिशियंट है कौन सबसे है कौन सबसे इफेक्टिव है कौन, कौन किसी ऊपर डिपेंड करता है आगे थोड़ा और इलाबोरेशन है इंक्वायरी अकेले इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती इंक्वायरी में जो रिस्पॉन्सेस मिलते हैं आपको उसको आपको चेक करना पड़ता है बाकी मेथड से आप एक काम कर सकते हैं सिस्टम का वॉक थ्रू कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन वॉक थ्रू मतलब किसी भी सिस्टम को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा स्टडी करना एनालाइज करना किसी भी ट्रांजेक्शन को शुरुआत से लेकर आखिर तक स्टडी करना एनालाइज करना इनिशिएट कैसे हाउ इट इनिशिएट्स, इनिशिएट कैसे होता है इनिशिएट कैसे होता है प्रोसेस कैसे होता है एग्जीक्यूट कैसे होता है अकाउंटिंग कैसे होती है ये सब चीजें ठीक है ये सब चीजें ये सब चीजें ये सब चीजें जो हम लोग देखते हैं करेक्ट करेक्ट वॉक थ्रू जो हम लोग करते हैं तो वो हमको अच्छा एविडेंस देती है तो इंक्वायरी को बाकी लोगों के साथ में कंबाइन करके वॉक थ्रू करो अच्छा इंफॉर्मेशन देगा ऑब्जर्वेशन इज गुड ठीक है ऑब्जर्वेशन आप यू गो एंड सी कि यूजर्स जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं अलग अलग सिनेरियोज में ठीक है आप खुद जाके देखो कि जब आप खुद जाकर कुछ अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन एंटर करते हो जिसमें एरर एक्सपेक्टेड है तो एरर दिख रहा है क्या वो खुद जाके आप ऑब्जर्व करो इंक्वायरी को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करो लोगों को ऑब्जर्व करो कैसे काम कर रहा है आप खुद देखो सिस्टम्स बराबर गलत ट्रांजेक्शन को रोक रहा है क्या वो ऑब्जर्व करना चाहिए इंस्पेक्शन सिस्टम कैसे बनाए टेक्निकल मैनुअल्स यूजर मैनुअल्स के इंस्पेक्शन आप कर सकते हो टेक्निकल मैनुअल्स टेक्निकल मैनुअल्स यूजर मैनुअल्स सिस्टम कॉन्फिग्रेशन कैसे वो आप चेक कर सकते हो रोज लॉग्स कैसे बन रहे हैं वो आप देख सकते हो रीपरफॉर्मेंस और रॉ डेटा ले सकते हो और रॉ डेटा की मदद से आप फिर से पूरी अकाउंटिंग ऑटोमेटिक मतलब बस और रॉ डेटा लो इनकम एक्सपेंस एसेट प्लाइब ट्रांजेक्शन का उसको अपलोड करो आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के मिल जाएगा ऐसा भी होता है रीपरफॉर्मेंस लेट्स फ्रीज चार तरह के चार तरह के मेथड्स हैं कुछ बहुत एफिशिएंट है कुछ बहुत इफेक्टिव है कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ट है दो आए वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है कहाँ पे कोई दूसरा डिपेंड करता है फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें थोड़ी एक्स्ट्रा बातें इंक्वायरी की कॉम्बिनेशन में यूज़ करो फिर इंक्वायरी से थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन की खास बातें जाके आप ऑब्जर्व करो लोग कैसे काम कर रहे हैं दैट विल बी यूजफुल यूजफुल रहेगा उससे और ज़्यादा मेहनत करनी है इंस्पेक्शन करिए दुनिया भर के मैनुअल्स यूजर मैनुअल्स सिस्टम लॉग्स आप स्टडी कर सकते हैं री परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वर्ट इज बहुत ज्यादा मोबाइल वाला डेटा नहीं इंफॉर्मेशन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारा रॉ डेटा इकट्ठा करना उसको एनालाइज करना उसको स्टडी करना उससे एक मीनिंगफुल उससे एक मीनिंगफुल उससे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स जैसे अभी लाखों लोगों को कोरोना लाखों लोगों कोरोना हुआ है उन सबका डेटा डिटेल में डेटा लाखों लोग सपोज हम लोगों ने पंद्रह लाख लोगों का डेटा लिया ठीक है पंद्रह लाख लोगों का डेटा इनका बर्थ कब हुआ था कौन से साल में इनका बर्थ हुआ था कौन से लोकेशन से ये लोग हैं इनकी स्कूलिंग कैसे हुई थी ठीक है इनको उनको और कौन सी बीमारियां हैं ये वेजिटेरियंस है नॉन वेजिटेरियंस है ये अल्कोहल ठीक है, है अल्कोहल लेते थे नहीं लेते थे सिगरेट्स ठीक है स्मोक करते थे नहीं करते थे करेक्ट इनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी थी इनका मेडिकल हिस्ट्री कैसे था उनका प्रेजेंट ऐसे बहुत सारा डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया बहुत सारा और फिर बहुत सारे टेस्ट्स हम लोग रन कर सकते हैं कौन से उम्र के लोगों को ज्यादा हो रहा है डेथ कौन से उम्र के लोगों में ज्यादा हो रही है कौन सी दवाइया काम कर रही है कैसी दवाइयां काम कर रही है कौन सी दवाइयां बिल्कुल काम नहीं कर रही है कौन सी चीजें अच्छी है कौन सी चीजें बुरी है लॉट ऑफ थिंग्स आर देर लॉट ऑफ थिंग्स ठीक है बहुत सारी चीजें नौ तो उसको हम लोग डेटा है। तो बहुत सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं बहुत सारा बहुत सारा डे बहुत सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको स्टडी करते हैं एनालाइज करते हैं मीनिंगफुल मतलब निकालते हैं उसको हम लोग डेटा एनालिटिक्स कंपनी को अपने डिसीजनस लेने में बहुत मदद मिलती है डेटा एनालाइज करके दे कैन टेक वेरी गुड डिसीजन वो लोग डेटा एनालाइज करके डिमांड प्रोडिक कर सकते हैं स्टॉकिंग कर सकते हैं ठीक है अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं डेटा की मदद से ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत मदद मिल सकती है कैसे मदद मिल सकती है डेटा एनालिटिक्स को कैड भी बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी बोलते हैं क्या फायदा कार्ड्स का फ्रॉड पकड़ सकते हैं ऐसा शॉर्टकट है उसका हम डेटा का कंप्लीटनेस चेक कर सकते हैं वी कैन चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा कंप्लीट है, है कि वह हम लोग चेक कर सकते हैं बड़ा आसान है वी लुकअप फंक्शन आप जानते होंगे बहुत आसान मुझे चेक करना है कि ये लिस्ट में सारे कस्टमर्स कवर हो गए ना लुकअप इस इस लिस्ट को मैं जो सिस्टम की मास्टर फाइल है उससे मैच कर सकता हूं तो मुझे समझ में आएगा सारे कस्टमर सारे कस्टमर इसमें कवर हुए कि नहीं ठीक है डेटा एनालिटिक्स और कंप्यूटर्स की मदद से कंप्लीटनेस को मैं बहुत फास्ट चेक कर सकता हूं विद इन फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू मिनट्स आई कैन चेक कंप्लीटनेस कार्ड्स देन ए स्टैंड ठीक है ए स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज अनयूजल जर्नल एंट्रीज अजीब गरीब टाइम एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज फ्रॉडुलेंड एंट्रीज़ पकड़ने मदद मिलती है अजीब गरीब टाइम आग। पे एंट्रीज पास हुई है एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट एंट्रीज है फ्रॉडुलेंड एंट्री पकड़ने में काम आएगा एकदम अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसमें काम आएगा अनयूजल अनयूजल लॉगिन आई है उसमें काम आएगा टाइम अलग है अनयूजल है अनयूजल लॉग इन है उस एंट्री से ऐसी एंट्री पास नहीं होती टाइमिंग्स अलग है अमाउंट्स बहुत अलग है प्रोडक्ट्स अलग है ठीक है लोकेशन बहुत अलग है इससे फ्रॉडुलेंट एंट्रीज पकड़ने में जिस तरीके से एंट्री पास डिटेल्स दिए वो अलग है फ्रॉडुलेंट एंट्रीज को पकड़ पकड़ना आसान हो जाएगा कार्ड्स तो बहुत आसान कंप्लीटनेस चेक करना आसान हो जाएगा एनालिसिस करना एनालिसिस करना जर्नल एंट्रीज जेवीज वो आसान हो जाएगा जेवीज मतलब जो रेगुलर एंट्रीज पाते रूटीन ट्रांजेक्शन सेल्स एंड परचेस उसके अलावा जो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है अलग से एंट्री पास करते हैं उसको जेवीज बोलते हैं ठीक है देन आर सेंड फॉर रिकम्पिटिशन ऑफ बैलेंसेस और रॉ डेटा बताइए रॉ इनकम्स क्या है एक्सपेंस क्या है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के डिटेल्स आप अपलोड करिए सिस्टम अपने आप प्रोसेस करके अकाउंटिंग कर देगा अपने आप बैलेंसेस निकालेगा बैलेंसेस की मदद से ट्रायल बैलेंस बना देगा ट्रायल बैलेंस की मदद से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देगा ऐसा हो सकता है तो सिस्टम आपके लिए बैलेंसेस को रिकम्प्यूट कर देगा रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन री परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिक ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक है अब ये क्या फंडा है परफॉर्मेंस री परफॉर्मेंस री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल ठीक है सिस्टम आपको डेप्रिसिएशन रिकम्प्यूट कर देगा इंटरेस्ट आपको री रिकम्प्यूट कर देगा आपको इंटरेस्ट रिकम्प्यूट कर देगा करेक्ट आपको बहुत सारे कैलकुलेशन खुद करके दे देगा मतलब आप फिर से आप कर सकते हो सिस्टम की मदद से कि बराबर है कि नहीं है डी स्टैंड फॉर डेफिशियंसिस इवेल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज़ आपको पता चला कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के सिस्टम में गड़बड़ है वो एक्सपेंस कितने वॉल्यूम में है कितने वॉल्यूम है कितने ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हो सकती है कितनी गड़बड़ हो सकती है ये आपको प्रडिक करने में है प्रडिक्शंस कि भाई एक हम लोग खर्चा करते हैं हम लोग ऑफिस एक्सपेंस का खर्चा के पे करते हैं उसका सिस्टम बराबर नहीं है तो कितना ऑफिस एक्सपेंस है ठीक है कितने परसेंट उसमें फ्रॉड रहेगा उसमें कितने अमाउंट की गलती हो जाएगी प्रोडिक्शन करने में सिस्टम हमको मदद करेगा डिफिशियंसी का इम्पैक्ट क्या होगा देन एस स्टैंड फॉर सैंपलिंग सिस्टम आपको सैंपलिंग करके देगा रैंडम सैंपलिंग स्टडीफाइड सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग सब करके देगा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बहुत सारा फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अगर हम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रहे ठीक है डिलीटेड फाइल्स डिलीटेड फाइल्स आपको लाकर दे देगा जिसकी मदद से आप फ्रॉड को पकड़ पाएंगे ये सिस्टम आपके लिए कर सकता है। तो कंप्यूटर्स की मदद यूज करके जब हम लोग मीनिंगफुल कोई कंप्यूटर्स की मदद करके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करके कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट इज डेटा एनालिटिक्स इसी को कैड बोलते हैं ऑडिट में बड़े काम की चीज है कंप्लीटनेस चेक करने में काम आएगा एनालिसिस फ्रोडोलेंड जेविस की एनालिसिस में काम आएगा रिकम्पटेशन ऑफ बैलेंस में काम आएगा री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम आएगा डिफिशंसी वैल्यूशन में काम आएगा ठीक है फिर सैंपल सैंपलिंग में काम आएगा और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा एक चैप्टर खत्म हो गया सब बधाई हो वी आर थ्रू विथ वन चैप्टर लेकिन अगला चैप्टर अगला चैप्टर लंबा चौड़ा रहेगा आइए आप पेज नंबर ट्वेंटी फाइव पे पेज नंबर ट्वेंटी फाइव मैं आपको बता दूं हमने क्वेश्चंस को कैसे पिक किया है रीसेंट एम टी हमारा एनालिसिस ये बताता है रीसेंट एम टी और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है बहुत ज्यादा है और रिपीटेशंस इन सबका कॉम्बिनेशन हमने यूज करके इंपॉर्टेंस को निकाला है सी, सी बहुत ही सिंपल बहुत आसान ट्रिक्स आप समझते जाइए ट्रिक्स समझ जाएंगे बात बन जाएगी ऑडिट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सेटमेंट्स मतलब एसेट के आइटम्स लाइबिलिटी के आइटम्स इनकम के आइटम्स एक्सपेंस के आइटम्स इनके ऑडिट करने की बात कर रहे हैं कैपिटल सब्सिडी कैसे चेक करेंगे इसमें ठीक है सीक्रेट इज फ्लो प्रैक्टिकल फ्लो अभी फ्लो फ्लो भी ठीक है या फिर यहां पे ट्रांजैक्शन फ्लो हम फ्लो को भी नाम देंगे बस ट्रांजैक्शन फ्लो ध्यान दीजिए कैपिटल सब्सिडी जब ग, जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमको फाइनेंशियल हेल्प करता है जब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट हम जब गवर्नमेंट हमको जब गवर्नमेंट हमको फाइनेंशियल हेल्प करता है ठीक है उसको सब्सिडी बोलते हैं दैट इज सब्सिडी क्या स्टेप बाय स्टेप होता है अगर आपको सब्सिडी चेक करना है तो सबसे पहले सब्सिडी के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म की ज़ेरोक्स कॉपीज होगी वो एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़िए ठीक है वो क्या स्कीम थी वो आपको समझ में आएगा कंपनी ने किस चीज के लिए अप्लाई वो स्कीम समझ में आएगी कंपनी ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है वो समझ में आएगा कितनी सब्सिडी के लिए ठीक है किस चीज के लिए अप्लाई किया है कितनी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है वो आपको समझ में आएगा तो पहले आप जो पॉलिसी का एप्लीकेशन फॉर्म है उसका कॉपी लीजिए स्कीम को समझिए कंपनी ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है कंपनी क्या क्लेम कर रही है क्या बातें बता रही है वो आप समझ जाइए तो पहले सबसे पहले सब्सिडी का एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन की कॉपी लेके उसको पढ़ लीजिए इट विल वेरी नॉलेजेबल फिर गव ठीक है क्या एप्लीकेशन का क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए फिर सामने से ठीक है अप्रूवल ऑफ सब्सिडी आया होगा ग्रांट ऑफ सब्सिडी आया होगा वो डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए कितने रुपए की सब्सिडी कितने रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट हमको देने वाला है वो देख लीजिए किस नेचर की सब्सिडी है कितने रुपए की सब्सिडी है किस पर्पस के लिए पैसा दे रहा है किस कितने रुपए की सब्सिडी ग्रांट देखिए क्या गवर्नमेंट ने सही में हमारा सब्सिडी प्रपोजल हमारा सब्सिडी एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया है अप्रूव किया है कितने रुपयों के लिए अप्रूव किया है किस पर्पज के लिए अप्रूव किया वो समझ लीजिए पहले एप्लीकेशन को समझ लीजिए एप्लीकेशन के बाद में ग्रांट आया अप्रूवल आया उसको समझ लीजिए फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़िए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है पैसा कहाँ पे यूज कर सकते हैं सब्सिडी सब्सिडी अगर हमको सब्सिडी अगर हमको uh, सब्सिडी अगर कंटिन्यू करना है हमको तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ठीक है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में प्लांट बनाना है नॉर्थ ईस्ट में प्लांट बनाना है बैकवर्ड एरिया में प्लान बनाना है 50 परसेंट जॉब देना है आदिवासी लोगों को क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो वहां पर समझ लीजिए पहले एप्लीकेशन भेजा होगा एप्लीकेशन डिटेल्स दे लिए फिर अप्रूवल्स आया होगा ग्रांट आया होगा उसके डिटेल्स हो गए फिर कंडीशन करेक्ट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अगर हम बात करते कंडीशन बहुत सिंपल सा कंडीशन टू बी फुलफिल्ड वो पढ़ लीजिए फिर बैंक में पैसे आएंगे बैंक स्टेटमेंट से वो चेक कर लीजिए फिर ए एस टूवेल्व के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है ए एस टूवेल्व के हिसाब से क्या है ये प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है कैपिटल में क्रेडिट होता है फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो उसको भी क्रेडिट कर सकते हैं डिफर्ट ग्रांट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं वो अकाउंटिंग ए एस टूएल्व के हिसाब से अकाउंटिंग वो देख लीजिए लाइन से पहले एप्लीकेशन भेजा होगा उसकी बात कर लो फिर ग्रांट मिला होगा उसकी बात कर लो ठीक फिर अप्रूवल लेटर आया ग्रांट लेटर आया उसकी बात कर लो फिर कंडीशंस पता चलोगी उसकी बात कर लो फिर बैंक में पैसा होगा उसकी बात कर लो फिर अकाउंटिंग की होगी एस टू के से उसकी बात कर लो ट्रांजेक्शन का सिंपल सा फ्लो है इतनी सारी बातें अगर ऑडिटर चेक कर लेगा तो कैपिटल सब्सिडी की चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी ठीक है सात नंबर का क्वेश्चन है बोनस पे मे सोलह आरटीपी पीएम में आया है मे सत्रह टेस्ट पेपर नवंबर सत्रह आर नवंबर अठारह टेस्ट पेपर पे आया है बोनस ठीक है बहुत सिंपल सा अब बोनस देना वापस ट्रांजैक्शन का अगर कंपनी ने बोनस देने का सोचा है कंपनी ने अगर बोनस देने के बारे में सोचा हुआ है करेक्ट सबसे पहले अगर बोनस देना है बोनस कहां से दे सकते कहां से नहीं दे सकते एज पर सेक्शन 63 फ्री रिजर्व है हमारे पास उससे बोनस इश्यू हम लोग कर सकते वी कैन इशू बोनस शेयर अगर फ्री रिजर्व है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उससे भी बोनस शेयर हम लोग इशू कर सकते हैं कैपिटल एडम्स रिजर्व है सीआरआर उससे भी सबसे फ्री फ्री रिजर्व यूज कर सकते उससे थोड़ा कम फ्री सिक्योरिटीज प्रीमियम एकदम ही कम सिर्फ बोनस के लिए सी आर आर तो अगर हमको पहले बोनस के बारे में बोनस के ऑडिटर को पता होना ऑडिटर शुड नो शुड शुड नो एंड ही चेक कि क्या क्या सोर्सेस अलाउड है कौन से सोर्स अलाउड नहीं है रिवैल्युएशन रिजर्व रिवैल्युएशन रिजर्व हम यूज नहीं कर सकते रिवैल्युएशन रिजर्व जो है दैट कैन नॉट बी यूज फॉर बोनस ठीक है अब पहले हमको पहले पता होना चाहिए कि क्या यूज कर सकते क्या यूज नहीं कर सकते उसके हिसाब से और क्या यूज कर सकते क्या यूज नहीं कर सकते और क्या कंपनी ने उसके हिसाब से ही प्लानिंग की है बोनस की पहली बात क्लियर हो गई फर्स्ट थिंग इज ओवर क्या यूज कर सकते सोर्सेस फिर कंडीशंस पहले सोर्सेस फिर कंडीशंस कंडीशन Condition में सबसे पहले प्री कंडीशंस ठीक है इन्होंने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स कोई भी एव फिक्स डिपॉजिट डेट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए जो कंपनी के बोरर्स है उसमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए ठीक है लॉ के अंदर जो स्टैट्यूटरी ड्यू पे करने पड़ते हैं एम्प्लॉयज के लिए सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड ठीक है प्रोविडेंट फंड पे करना पड़ता है ये जो लॉ के अंदर जो स्टैचुटरी लॉ के अंदर जो स्टैचुटरी लॉ के हिसाब से जो पेमेंट्स करने पड़ते हैं लॉ के अंदर जो पेमेंट्स करने पड़ते फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए ठीक है जो फाइनेंसर्स है उनके लिए डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज की तरफ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिर पार्टली पेड शेयर्स पे आप बोनस नहीं सकते पहले उसको फुल्ली पेड करना होगा तो पहली प्री कंडीशन बहुत सिंपल है ठीक है अगर आप बोनस पहले आपको सोर्सेस पता होने चाहिए क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है फिर प्री कंडीशन प्री कंडीशन में पहला Uh, फिर कम, फिर आपके कंप्लायस विथ कंडीशन में प्री कंडीशन डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए आपके जो फाइनेंसर्स है उनको लोन डेट्स में उसमें डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए फाइनेंसर्स के प्रति फाइनेंस finance के फाइनेंसर्स के प्रति फाइनेंसर्स के प्रति रीपेमेंट फाइनेंसर्स के फाइनेंसर्स के प्रति रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए ठीक है फिर एम्प्लॉय जो स्टैचुटरी ड्यूज है एम्प्लॉय के जो स्टैचुटरी ड्यूज है एम्प्लॉय के जो स्टेचुटरी ड्यूज है ठीक है एम्प्लॉय के स्टेचुटरी ड्यूज है उसमें भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पार्टली पेड शेयर्स भी नहीं होने चाहिए पहले उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा ये प्री कंडीशन प्रोसेस आर्टिकल्स ने ऑथराइज करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करना चाहिए शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए आर्टिकल्स भी रेडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रेडी है रिकमेंड कर रहे हैं और रेजोल्यूशन पास हो गया तब जाके बोनस इशू हो सकता है ठीक है एक बार अनाउंस करने के बाद स्पेशल पॉइंट्स एक बार अनाउंस होने के बाद उसको विडड्रॉ नहीं कर सकते ऐसा धोखा नहीं अनाउंस कर दिया शेयर के प्राइसेस बढ़वा लिए फिर अब कैंसिल कर लेते और प्राइस गिरा देते ऐसा नहीं चलेगा यू कैनॉट गिव इन लीव ऑफ डिविडेंट डिविडें के बदले में बोनस शेयर दे सकता हूं ये अलाउड नहीं है डिविडेंट अनाउंस किया डिविडेंट दो बोनस तो बहुत सिंपल सा है पहले आपको सोर्सेस क्या अलाउड है क्या नहीं वो पता होना चाहिए फिर कंडीशंस में आपको पता होना चाहिए कि पहले प्री कंडीशंस फुलफिल होनी पड़ती है फिर उसके बाद में रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं ये पता होने चाहिए और स्पेशल पॉइंट्स में स्पेशल पॉइंट में बहुत ही सिंपल चीज़ है आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते और डिविडेंड के बदले बोनस शेयर नहीं दे सकते शेयर एट डिस्काउंट शेयर एट डिस्काउंट सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है सेक्शन 53 प्रोहिबिट करता है और सेक्शन 54 एक्सेप्शंस देता है स्वेट इक्विटी शेयर्स और कुछ एक्सेप्शन है फिफ्टी प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते सेक्शन फिफ्टी कुछ एक्सेप्शन देता है अलाउ करता है कहाँ कहाँ पे आप डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं वो तो ठीक है यहाँ पे लेकिन फोकस हमारा पनिशमेंट्स पे है कंपनी के ऊपर एक लाख से पांच लाख का जुर्माना कंपनी के ऑफिसर के ऊपर एक लाख से पांच लाख का जुर्माना या छह महीने की सजा या बूथ शेयर्स डिस्काउंट पे इशू शेयर्स डिस्काउंट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते इसके इसके एक्सेप्शन सेक्शन 54, स्वेट इक्विटी शेयर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, रिसेंटली अमेंडमेंट भी आया कि अगर आप क्रेडिटर्स बैंक ठीक है क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स है आप जो आपके लेंडर्स है उनका लोन आप रिपे नहीं कर पा रहे जो लेंडर्स है उनका लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे हो वो रीपेमेंट में आप शेयर इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे इट इज अलाउड कि आप डिस्काउंट में शेयर इश्यू कर सकते हैं ठीक है डिस्काउंट में डिस्काउंट में शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है बस समझ बहुत सिंपल ऐसे तो बैंड है सब ऐसे तो बैंड है लेकिन एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर इज एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी शेयर ठीक है स्वेट इक्विटी शेयर इज एक्सेप्शन जो आपके लेंडर्स है लेंडर्स पे भी आप डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हो आप एनसीएलटी स्कीम के अंदर है तो वो भी एक्सेप्शन में आता है ठीक है अगर आपने माना नहीं तो एक लाख से पांच लाख कंपनी ऑफिसर एक लाख से पांच लाख छह महीने के लिए सजा ऑडिटर को बस यही तो चेक करना है ऑडिटर को देखना है कि जब भी शेयर इशू किए गए मिनट्स को एनालाइज करना है कोई डिस्काउंट पे तो इशू नहीं किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनिट देखो शेयर्स के मिनट्स देखो कोई डिस्काउंट पे तो शेयर का इशू नहीं हुआ है वो चेक करना जरूरी है ठीक है और इसके अलावा अगर शेयर इशू होते हैं तो सभी शेयर्स के अगर वो फ्रेश इशू है राइट इशू है प्रेफरेंशियल इशू है सबके रिलेवेंट लॉ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए गए तो बहुत आसान है डिस्काउंट के लिए सेक्शन 53, 54, बाकी इशू के लिए और भी सेक्शन है वो और पनिशमेंट दी हुई है सिंपल सा है ये, ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं थर्टीन नंबर थर्टी नंबर का सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर जब इशू करते हैं शेयर जब इशू करते हैं तो फेस वैल्यू से शेयर्स जब आप इशू करते हैं तो फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा पैसा आता है एक्स्ट्रा मनी जो भी आता है ठीक है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ठीक है शेयर इशू करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हमको फेस वैल्यू से ज्यादा मिला एज पर सेक्शन 52 टू वहां पर हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं ठीक है थीके? उसको बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं इट कैन बी यूज फॉर वेरी लिमिटेड पर्पस, बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है बचपन से हम लोग इसको पढ़ रहे सबसे पहले जब कंपनी बनाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो सिक्वेंस में हम इनिशियली उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं वी कैन यूज इट फॉर प्रिलिमिनरी फिर शेयर्स इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स उसके इशू डिस्काउंट और एक्सपेंस के लिए पहले प्रीमियरी कंपनी बनने के वक्त प्रीमियरी एक्सपेंस लगते हैं उसको एडजस्ट उसको उसके लिए वो खर्चे को एडजस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से फिर इशू करते वक्त इशू का इशू करते वक्त डिस्काउंट होता है एक्सपेंस होता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो यूज कर सकते हैं फिर शेयर्स डिबेंचर्स का रिडम्पन होता है रिडेम्पशन के डिस्काउंट प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन प्रीमियम प्रीमियम रिडेम्पशन रिडमशन रिडेम्पशन का जो नुकसान है वो एडजस्ट कर सकते हैं बायबैक बायबैक ऑफ इक्विटी इक्विटी शेयर नहीं होता बायबैक बाईब बाय ऑफ इक्विटी शेयर के लिए उसको यूज कर सकते हैं आखिरी में आखिरी में हम लोग इसको बोनस शेयर के लिए भी बोनस शेयर इशू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है प्रीमरी एक्सपेंस के, 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 के लिए फिर शेयर इशू करने के लिए फिर शेयर के रिडेम्पशन के लिए इक्विटी के बायबैक के लिए आखिरी में ठीक है ये सब होने के बाद बोनस इशू के लिए यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहां पे कि डिविडेंड के लिए यूज कर रहे हैं सेक्शन 123 बोलते हैं कि डिविडेंड कैन बी गिवन फ्रॉम दी पास्ट प्रॉफिट्स और प्रेजेंट प्रॉफिट्स डिविडेंड पास्ट प्रॉफिट्स आपके जो डिविडेंड है वो पास्ट प्रॉफिट्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वी कैन यूज इट फॉर पास्ट प्रॉफिट्स और प्रेजेंट प्रॉफिट्स पास्ट या प्रेजेंट प्रॉफिट्स है उसके लिए आप डिविडेंड को यूज कर सकते हो फॉर दैट यू कैन यूज उसके लिए आप वो वो आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो सिक्योरिटीज Sec, प्रीमियम का अकाउंट अलाउ ही नहीं करता है डिविडेंड के लिए और सेक्शन 123 ट्वेंटी जो डिविडेंड है वो भी अलाउ नहीं करता सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना फिर भी अगर यूज किया है तो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है अकाउंटिंग एंट्रीज ही गलत पास की हैवी अकाउंटिंग एंट्रीज गलत पास किए है मटेरियल मिसटेटमेंट है ठीक है क्वालिफाई करना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है अकाउंटिंग एंट्रीज ही गलत है आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ठीक है फिर क्या हम लोग ये सिक्योरिटीज प्रीमियम एक क्वेश्चन ऐसा और एक क्वेश्चन है वहां पर क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो प्रॉफिट है कमीशन कैलकुलेशन के लिए तो ऐसा है कि कंपनीज एक्ट में सेक्शन 197 है जहां पे मैनेजरियल रेमुनरेशन की लिमिट्स दी हुई है कि कौन से तरह के डायरेक्टर को कितना रेमुनरेशन दे सकते हैं किसी को पांच परसेंट अलाउड है किसी को कहीं पे दस परसेंट अलाउड है कहीं पे वन परसेंट है कहीं पे थ्री परसेंट है उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये सेक्शन वन में दिया है और सेक्शन वन में लिखा है कि शेयर इश्यू करके जो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता है वो प्रीमियम आप प्रॉफिट में इंक्लूड मत करिए वो प्रीमियम आप प्रॉफिट में इंक्लूड मत करिए जब आप प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन निकालते उसमें इंक्लूड मत करिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरली पी में नहीं जाता सेक्शन वन भी बोलता है उसको उसको प्रॉफिट में इंक्लूड मत करो ये दोनों चीजों की वजह से उसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए वेन वी कम्प्यूट रेमुनरेशन ऑफ दी डिरेक्टर्स परसेंटेज में तो उसके लिए हमने यूज करना नहीं चाहिए तो सेक्शन 52 है सिक्योरिटीज प्रीमियम का वो बताइए करेक्ट 123 के अंदर डिविडेंड भी आप उसमें से नहीं पे कर सकते हैं, ना सेक्शन 52 के हिसाब से डिविडेंड पे कर सकते हैं ना सेक्शन 123 और फिर सेक्शन 198 के हिसाब से managerial remuneration के लिए प्रॉफिट है उसमें भी securities premium को आप ले नहीं सकते सभी केसेस का आंसर इसमें आ जाता है बहुत आसान अगर आप देखेंगे अभी तक के जो क्वेश्चंस है अभी तक के ट्रांजेक्शन्स के ही फ्लो में है कैपिटल सब्सिडी का फ्लो क्या रहेगा बहुत आसान बोनस इश्यू करना क्या फ्लो रहेगा बहुत आसान ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम कैसा रहेगा बहुत आसान बहुत 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 ही आसान है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक बार प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग्स है आपके नोट प्रॉपर हेडिंग है आपके नोट में मार्किंग है प्रॉपर फ्लो क्रिएट किया हुआ है आपने उसको एक बार सुना हुआ पढ़ा हुआ होना चाहिए आखिरी दिन के पहले एक बार रिव्यू होना चाहिए दिमाग में फ्रेश अच्छा आंसर लिख के आएंगे आप नाउ स्प्लिटिंग ऑफ शेयर शेयर को स्प्लिट करना डन है भाई शेयर को स्प्लिट शेयर खेलना है इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय शेयर कैपिटल इट शुड बी ऑथोराइज इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इट शुड बी ऑथराइज्ड, शेयर कैपिटल ने उसको ऑथराइज करना चाहिए ऑथराइज बाय शेयर कैपिटल बोर्ड मिनट्स से रिकमेंडेशन लेना चाहिए और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना चाहिए एकदम सीक्वेंस में स्प्लिट है आपको दस रुपए के शेयर को एक रुपए में करना है ठीक है शेयर होल्डर आर्टिकल्स ने ऑथराइज कर दिया बहुत बढ़िया बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया बहुत बढ़िया शेयर होल्डर ने ऑथराइज कर दिया बहुत बढ़िया ऑथराइज कर करने के बाद आर को इन्फॉर्म कर दो फॉर्म एस एच सेवन में भैया हम स्प्लिट कर रहे हैं बहुत बढ़िया स्प्लिट करने के बाद में एमओए को आप अपडेट कर दीजिए बहुत बढ़िया अकाउंटिंग कर दीजिए बहुत बढ़िया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को भी आप अल्टर कर दीजिए बहुत बढ़िया बहुत ही आसान सिंपल पहले आर्टिकल्स ने अप्रूव किया फिर बोर्ड ने अप्रूव किया फिर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया फिर फाइलिंग हुई फिर मेमोरेंडम बदला अकाउंटिंग हुई रजिस्टर बदला स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी सिंपल स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात करिए सेक्शन 54 में सेक्शन 54 में हम लोग बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की होते क्या है स्वेट इक्विटी शेयर जब शेयर्स एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय 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 हमको नोहव बता रहा है कोई बहुत ही सीक्रेट बात बहुत ही सीक्रेट बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि उससे कैसे काम करना चाहिए कोई नोहव हमको बता रहा है कोई प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कोई पेटेंट कोई डिजाइन कोई टेक्नोलॉजी हमको बता रहा है कोई नोहाउ बता रहा है कोई इंटेलेक्चुअल राइट्स पेटेंट राइट्स हमारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा है किसी भी तरीके से हमारी एंटिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है अगर एम्प्लॉयज हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं तो बदले में बदले में उनको हम लोग कंपनी के शेयर दे सकते हैं सस्ते में दोनों का फायदा है हमारा फायदा है कि कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ उसका फायदा है कि उसको सस्ते में शेयर मिल गए मार्केट में शेयर बेचेंगे तो जम के पैसे मिलेंगे दोनों का फायदा है तो सेक्शन फिफ्टी फोर का मतलब सेक्शन फिफ्टी फोर स्वेट इक्विटी शेयर मतलब हमने समझा शेयर इशू करने स्वेट इक्विटी शेयर इट शुड बी ऑथोराइज बाई स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर इशू करने स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव करना चाहिए ठीक है आप नए शेयर इशू कर रहे हैं

तो अगर नॉर्मल कंपनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा लिस्टेड कंपनी से सेबी के रेगुलेशन भी और ये जो राइट्स दिए जाएंगे सैमनल को इनके पास पारीपासू राइट रैंक रह, रहेगाक पारीपासू मतलब एग्जैक्टली सेम एज अदर शेयर होल्डर्स कोई भेदभाव नहीं होगा इनको जो शेयर्स मिलेंगे वो बाकी शेयर होल्डर जैसे ही रहेंगे कोई इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए सेक्शन 54 है इसका मतलब देखा इशू अगर करना है तो किसकी परमिशन लगती है वो हम लोगों ने देखा ठीक है और पारीपासू रहेगा बहुत बहुत आसान बहुत सिंपल है बहुत आसान है एक फ्लो में अगर आप पढ़ेंगे तो फटाफट फड़ याद होते रहेगा प्रोविजन क्या फर्क है और कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में क्या फर्क है देख लीजिए बहुत आसान जब जब प्रॉफिट्स प्रॉफिट profit कमाने के बाद प्रॉफिट कमाने के बाद नेट प्रॉफिट कमाने के बाद जब कंपनी के लोग वॉलेंटरीली कमाने के बाद कंपनी के लोग वॉलेंटरीली प्रॉफिट को निकालते हैं अप्रोप्रिएट करते हैं किसी पर्पस के लिए ठीक है वॉलेंटरीली एंड इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी ये किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं किसी तरह की लाइबिलिटी किसी तरह की कॉन्टिंजेंसी किसी तरह की लाइबिलिटी किसी तरह की कॉन्टिंजेंसी कमिटमेंट नहीं है मतलब कोई तरह किसी भी तरह का पेबल नहीं है किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं है कॉन्टिंजेंसी नहीं है कमिटमेंट नहीं है जहां पर हमको पैसे पे करने या फिर रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर ऐसा भी कुछ भी नहीं कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है जब हम अपनी इच्छा से खुद अपनी इच्छा से प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करते हैं बिना ये दो कारण के ना किसी को पैसा पेबल है ना उसका प्रोविजन है ना उसके किसी को पैसा पेबल है ना किसी से आ, किसी की एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसको हम रिजर्व्स बोलते हैं Provisions, on the contrary, are charge against profits. Reserves are appropriation of profit. Net profit nikalne ke baad provisions are charge against profit. Net profit nikalne ke pehle usko charge kiya jata hai वापस दो main reason होते हैं liability के लिए। कोई liability है जिसका amount fix नहीं कर पा रहे, जिसका accurate amount fix नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम provision बनाते हैं। Claim के लिए हम लोग provision बनाते हैं। ये दो point liability। ठीक है तो बहुत ही प्रोविजन या तो लाइबिलिटी के लिए हो सकता है प्रोविजन या तो लाइबिलिटी के लिए हो सकता है इट कैन बी फॉर लाइबिलिटी या फिर एसेट की वैल्यू कम हो रही है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट एसे लॉस डिस्ट्रॉइड इवरेबल उसके लिए प्रोविजन दो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एक फॉर लाइबिलिटीज और रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट्स है एक इसके अलावा किसी और चीज के लिए है ठीक है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करना है तो दोनों की डेफिनेशन बताइए अभी डिस्कस किया दोनों की डेफिनेशन बताइए दोनों में क्या फर्क है वो बताइए डेफिनेशन अभी डेफिनेशन में डिस्कस की वही डेफिनेशन रिजर्व वर्सेस प्रोविजन हम लोग देख रहे हैं उसका मतलब बताया डिस्टिंग्विश करना है डेफिनेशन बताकर आप डिस्टिंग्विश करिए नेटवर्क निकालते वक्त नेटवर्क निकालते जब लोग एसेट्स माइनस लाइब्रिटी करते हैं तो प्रोविजन को माइनस करते हैं तो नेटवर्क निकालते वक्त प्रोविजन को माइनस किया जाता है लेकिन रिजर्व को माइनस नहीं किया जाता रिजर्व तो आपके नेटवर्थ को कम नहीं करते प्रोविजन आपके नेटवर्थ को कम करते हैं तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है है ठीक बहुत आसान सा रिजर्व वर्सेस प्रोविजन देखा दोनों के बीच में डिफरेंस देखे डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस आ जाता है एक अप्रोप्रिएशन है एक चार्ज आ जाता है एक नेटवर्क कैलकुलेशन माइनस करते एक में नहीं करते उसमें भी अब रिजर्व में भी रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर जो रिजर्व हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं जो रिजर्व हम लोग डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं उसको रेवेन्यू नेचर रिजर्व बोलते हैं विच कैन बी यूज फॉर गिविंग डिविडेंट डिविजिबल ठीक है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व जो हम कैपिटल नेचर के हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल एडम्पशन रिजर्व कैपिटल एडम्शन रिजर्व सी आर आर कैपिटल एक्टिविटी से जनरेट हुए हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते ठीक है एसेट रिप्लेसमेंट के लिए कोई एसेट है उसको रिप्लेस करने के लिए रिजर्व बनाया उसको भी आप यूज नहीं कर सकते रेवेन्यू नेचर रिजर्व कैन बी इजीली यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड रेवेन्यू नेचर रिजर्व वो रिजर्व है जो आसानी से डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं रेवेन्यू एक्टिविटीज से आया कैपिटल नेचर कैपिटल एक्टिविटी से आया है सिक्योरिटी स्पीप कैपिटल एक्टिविटी है आप उसको यूज नहीं कर सकते सीआरआर कैपिटल एक्टिविटी है आप उसको यूज नहीं कर सकते ठीक है डिविडेंड देने के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते डिविजिबल नहीं है हाँ कुछ राइट है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ चीजें एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं बोनस इशू बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं ये डिफरेंस है तो हमने पहले देखा रिजर्व वर्सेज प्रोविजन और फिर रिजर्व में दो रिजर्व रेवेन्यू नेचर रिजर्व और कैपिटल नेचर रिजर्व बहुत 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 ही ज्यादा आसान चीज है ये बहुत ही सिंपल है हमारा जो लॉ है एज अ सेट बहुत ही सिंपल चीजें है बहुत सिंपल चीजें है बहुत आसान चीजें है जो हमारा लॉ है ठीक है लॉ सब्जेक्ट है उसके बेसिक्स जो होते हैं ना वैसे बेसिक्स है एक बार अगर आपका पढ़ा हुआ है एक बार नजर घुमाई हुई है याद हो जाएगा इसमें और जो थोड़ी टेक्निकल चीजें आगे आएगी ऑइट ऑफ कैपिटल रिजर्व पहले आप बता दीजिए कैपिटल रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जो कैपिटल नेचर एक्टिविटी से जनरेट होता है जिसको हम रिजर्व के लिए यूज नहीं कर सकते वी कैनॉट यूज फॉर रिजर्व ठीक है जैसे शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करने के प्रॉफिट करते फिर री इशू करते शेयर फॉरफिट करते शेयर फॉर कैपिटल नेचर है री इश्यू करके जो बच जाता है कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं वो भी कैपिटल नेचर प्रॉफिट है इट कैन नॉट बी यूज फॉर गिविंग डिविडेंड्स फॉर फ्यूचर शेयर फॉर फ्यूचर इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट वो वो ट्रांसफर द कैपिटल वो भी कैपिटल नेचर का है रिवैल्युएशन ऑफ फिक्स एसेट वो भी कैपिटल नेचर का है इसको भी डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते ठीक है डिविडेंड के लिए भी यूज नहीं कर सकते इसको तो बोनस इश्यू के लिए भी यूज नहीं कर सकते अगर गलती से यूज कर लो तो भैया कैप फिर क्वालिफाई करनी पड़ेगी रिपोर्ट हाँ कैपिटल नेचर हमने सेल ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी किया सेल ऑफ फिक्स एसेट किया है तो कैपिटल रिसीट होती है उससे प्रॉफिट जनरल होता है कैपिटल प्रॉफिट ठीक है कैपिटल प्रॉफिट होता है एज पर एस्ट जो प्रॉफिट होता है वो हमको पीएनएल में डालना पड़ता है तो अगर हमको कैपिटल रिसीट्स हुई है उसमें कैपिटल नेचर प्रॉफिट हुआ है जो हम लोगों ने पीएनएल में ट्रांसफर किया है रिमेंबर कैपिटल रिसीट नहीं कैपिटल नेचर प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर प्रॉफिट है दैट कैन बी यूज फॉर गिविंग डिविडेंट अगर कैपिटल नेचर प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है डेफिनेटली यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डिस्कलोजर रिजर्व एंड सरप्लस में बताया जाता है और अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या पहले तो नॉलेज बांटो कैपिटल रिजर्व मतलब क्या शेयर फॉर फ्यूचर कैसे कैपिटल रिजर्व है रिवेल्यूशन रिजर्व कैसे कैपिटल रिजर्व है कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते कैसे कैपिटल नेचर प्रॉफिट विच इज रियलाइज इन कैश को यूज कर सकते हैं एंड देन लास्ट ड्यूटी ऑफ ऑडिटर अगर आपको कैपिटल नेचर प्रॉफिट करना शुड बी अलाउड बाई करना चाहिए इट शुड इन कैश कैपिटल जनरली कैपिटलचर प्लान बिल्डिंग के लिए यूज करते लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर इसकी इसकी परमिशन देते हैं इट इज रियलाइज इन कैश परमिशन देते हैं रियलाइज इन कैश कैश में रियलाइज हो चुका है ठीक है और हमने क्या किया है जितने भी एसेट्स इसका जो मतलब है हमने एसेट जितने भी ओवर वैल्यूड एसेट्स है उसको राइट ऑफ कर दिया एडजस्ट कर दिया कैपिटल प्रॉफिट से जितने भी लाइब्रेरीज अंडर चार्ज है उसको वापस लेकर एडजस्ट कर दिया कैपिटल उसको एडजस्ट हम लोगों ने कर दिया कैपिटल प्रॉफिट से हमने पूरे एसेट्स को सही वैल्यू पे लेके आए एडजस्ट कर दिया लाइब्रेरीज को सही वैल्यू पे लेके आए एडजस्ट कर दिया सबको एडजस्ट कर दिया और अब आज ऐसी सिचुएशन है कि जो नेट जो हमको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दिख रहा है और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एसेट्स माइनस लाइबिलिटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लो या एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दो आंसर एक ही होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल टू नेट एसेट्स अगर कैपिटल और रिजर्व्स सही में कंपनी के एसेट्स और लाइब्रिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब दे आर देपरली वैल्यूड अच्छे तरीके से वैल्यूड है फिर जाके आप कैपिटल नेचर नेचर प्रॉफिट को रेवेन्यू के लिए यूज कर सकते हैं तो पहले आप बताइए कैपिटलिज का मतलब क्या है कैपिटलिज का मतलब बता फिर बताए फिर आप बताइए कैपिटल प्रॉफिट कहां कहां पे आते हैं ठीक है Reval, कहां कहां पे आते हैं कौन से कैपिटल नेचर प्रॉफिट को आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और आखिरी में आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल्स अगर अनाउंस करते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ अलाउ करते हैं पैसा हमको मिल चुका है और हम इंश्योर करते हैं कि कैपिटल प्लस रिजर्व इज रिप्रेजेंटिंग नेट एसेट्स इट इज रिप्रेजेंटिंग नेट एसेट्स सही वैल्यूएशन है ये सारी बातें इंश्योर कर लो तो कैपिटल नेचर प्रॉफिट से भी डिविडेंड बांट सकते हैं बहुत ही खतरनाक तो अभी तक के जो बातें थी अभी तक के ठीक है अभी तक के जो हम लोगों ने बातें पढ़ी अभी तक के जो हम लोगों ने जितनी बातें पढ़ी इस चैप्टर में वो पूरी शेयर कैपिटल से रिलेटेड एंड वेरी वेरी सिंपल बहुत 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 ज्यादा आसान ठीक है कैपिटल सब्सिडी पूरी ठीक है शेयर कैपिटल और रिलेटेड शेयर कैपिटल और रिजर्व से रिलेटेड जो बातें थी वो हम लोगों ने देखी बहुत आसान है सब में एक ही तरीका है फ्लो ढूंढ लीजिए ट्रांजेक्शन का फ्लो क्या है ट्रांजेक्शन का फ्लो ढूंढ लीजिए एक बार आपको ट्रांजेक्शन का फ्लो मिल गया तो वो चीज आपको याद हो जाएगी यू विल रिमेंबर दैट थिंग अब बोरोइंग्स रियल है एग्जिस्ट करती है ये आप कैसे चेक करेंगे ठीक है लेट्स सी यहां पर भी यहां पर भी सेम चीज है फ्लो अगर बोरिंग्स अगर बोरिंग्स सच्ची है अगर बोरइंग्स सच्ची है ठीक है बोरिंग्स सबसे पहले कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बोरिंग्स असली है अगर आपको चेक करना है बोरिंग एग्जिस्ट तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोरइंग्स को अप्रूव किया इसके मिनट्स इसके मिनट्स बोरइंग्स आपने बोरिंग्स को चेक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरइंग को अप्रूव कर रहे उसके मिनट्स से उससे आपने चेक करना चाहिए पहला अप्रूवल के बाद में अग्रीमेंट बनेगा कंपनी और लेंडर के बीच में अग्रीमेंट बनेगा वो अग्रीमेंट से आपने उसको चेक करना चाहिए अग्रीमेंट के ऊपर ऑथराइज बंदे की साइन होगी वो सिग्नेचर दिखनी चाहिए एकदम आसान पहले बोर्ड मिनट्स पास हुआ पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया होगा मिनट्स से आप चेक कर लीजिए फिर उसके बाद में अग्रीमेंट बना होगा अग्रीमेंट से आप चेक कर लीजिए अग्रीमेंट पे साइन होगा ऑथराइजेशन आप चेक कर लीजिए ठीक है फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अप्रूव करते हैं कोई बोरिंग्स को तो उसके सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कितने साल की बोरिंग्स होगी कितने साल की बोरोइंग्स होगी सिक्योरिटी क्या होगी किस पर्पज के लिए किस पर्पज के लिए उसको यूज करेंगे ये सारी बातें भी अप्रूव्ड होती है वो भी मिनट्स में चेक कर लीजिए तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हुआ वो चेक कर लिया अग्रीमेंट हुआ वो चेक कर लिया ऑथराइजेशन वो चेक कर लिया ठीक है फिर लोन लोन की अकाउंटिंग होती है लोन की अकाउंटिंग होती है लोन की अकाउंटिंग अग्रीमेंट में जो डिटेल्स है अमाउंट के डिटेल्स है उससे मैच कर लीजिए फिर इंटरेस्ट रेट की डिटेल्स है डिटेल में जो डिटेल फिर अगर अब लोन सिर्फ बोरोइंग सिर्फ इस तरह की, और भी तरह की हो सकती है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लीज फाइनेंस लीज हायर परचेस तो उसकी अकाउंटिंग हायर परचेस हायर परचेस अकाउंट फाइनेंस लीज का जो अग्रीमेंट है उससे मैच कर लो डिबेंचर्स ठीक है इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स डिबेंचर्स के फॉर्म में अपने पैसे रेस किए तो डिबेंचर की डिबेंचर की डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनती है डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो डिटेल्स दिए कितने रुपए के डिबेंचर है क्या इंटरेस्ट रेट होगा वहां से आप मैच कर लीजिए आपको चेक करना है ना क्या ये रियल है सही में एग्जिस्ट करता है तो इसे सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए बैंक कंफर्मेशन साल के एंड में ले लीजिए और अगर ये लोन रिपेमेंट हुए रिटायर हुए हैं ठीक है तो आप देखिए डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट्स आपने अगर रिपे किया डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट फिर वो लोन में नहीं दिखना चाहिए और सिक्योरिटी वापस आपके पास मिल गई क्या बहुत आसान अगर आपको चेक करना है बोरोइंग रियल है दे एग्जिस्ट पहले उसके अप्रूवल्स दिखने चाहिए अप्रूवल्स के बाद अग्रीमेंट दिखना चाहिए अब पहले उसके अप्रूवल्स दिखने चाहिए साथ में सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के अप्रूवल दिखने चाहिए उसका अग्रीमेंट दिखना चाहिए अग्रीमेंट के बाद में उसमें सिग्नेचर दिखनी चाहिए उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग एज पर अग्रीमेंट होनी चाहिए या फिर अकाउंटिंग एज पर हायर परचेस लीज अग्रीमेंट होनी चाहिए फाइनेंस लीज अग्रीमेंट अग्रीमेंट एज पर जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड की डीड है उसके हिसाब से होनी चाहिए साल आखिरी में कंफर्मेशन दिखना चाहिए और डिस्चार्ज हो गया तो डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स नजर आने चाहिए और सिक्योरिटी वापस मिल जानी चाहिए अगर बोरोइंग्स को लेकर ये चीजें आपको दिख रही है मतलब बोरइंग्स आर रियल बोरोइंग्स एग्जिस्ट वापस फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन है आप बात को समझिए ये चीज ही आपको बचाएगी ये चीज ही आपको बताएगी बचाएगी जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है यही चीज आपको बचाने वाली है यही चीज आपको आसान वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर करंट लाइबिलिटी शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन ऐसे है शेड्यूल थ्री का क्वेश्चन ऐसे है कि करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा करंट लाइबिटी का क्राइटेरिया क्या है मे मॉक टेस्ट पेपर करंट लाइबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है करंट लाइब्रिटी का क्राइटेरिया क्या है करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा विल कम वॉट विल कम इन वॉट विल कम इन करंट लाइबिलिटी ठीक है करंट लाइब्रिटी में क्या आएगा तो बहुत सिंपल बहुत आसान करंट लाइब्रिटी में क्या आएगा हमारे शेड्यूल थ्री में ऐसा लिखा है ऐसी जो भी लाइबिलिटी जो आप पे करने वाले हो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है जो जितना समय लगता है और रॉ मटेरियल में पैसे लगाने से वापस डेटर से पैसा मिलने के लिए जितना समय लगता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल जो पैसा मुझे विद इन ऑपरेटिंग साइकिल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल जो टाइम है विद इन दैट ऑपरेटिंग साइकिल सपोज ऑपरेटिंग साइकिल डेढ़ साल का है डेढ़ साल के अंदर मुझे अगर कोई पैसा पे करना है उसको मैं करंट लाइबिलिटी बोलूंगा बारह महीने के अंदर अगर पे करना है बारह महीने के अंदर पे करना है तो उसको भी करंट लाइबिलिटी मैं बोलूंगा अगर मैंने कोई लाइबिलिटी खरीदी है अगर कोई ऐसी अगर डिमांड लोन है अगर कोई ऐसा लोन है डिमांड लोन है अगर सामने वाला मांगे मुझे तो मैं उसको डीले नहीं कर पाऊंगा मोर देन ट्वेल्व मंथ मुझे उसको पे करना ही पड़ेगा विद इन ट्वेल्व मंथ अगर मैंने कोई डिमांड लोन लेके रखा है जब अगर सामने वाला सामने वाले के पास ऑप्शन है पैसे मांगने का वो मांगेगा तो मैं बारह महीने से ज्यादा डीले नहीं कर पाऊंगा बारह महीने से ज्यादा डीले नहीं कर पाऊंगा वो भी करंट लाइब्रेटी है और अगर लाइब्रेटी मैंने ठीक है मैंने बेचने के लिए ट्रेडिंग के लिए रखी है क्या कुछ लोग लाइब्रेटी खरीदते बेचते हैं लाइब्रेरी खरीदते बेचते हैं yes. यस ठीक है मतलब आपकी लाइब्रेरी में मेरे सर पे ले लूंगा पैसे दे दो लाइब्रेटी खरीदते हैं तो पैसे मिलते हैं लाइब्रेटी देते हैं तो साथ में पैसे देने पड़ते हैं ठीक है महंगे में लाइब्रेटी खरीदो ज्यादा पैसे मिलेंगे सस्ते में उसको बेचो कम पैसे देने पड़ेंगे बीच का प्रॉफिट आपका दस करोड़ में लाइब्रेटी खरीदी पैसे मिले नौ करोड़ में लाइब्रेटी बेच दी एक करोड़ आपका प्रॉफिट कुछ लोग लाइब्रेटी में डील करते हैं लाइब्रेटी खरीदो महंगे में खरीदो सस्ते में बेचो बीच में का आपका प्रॉफिट होता है अगर ऐसे ट्रेडिंग के लिए कोई लाइब्रेटी है तो उसको भी करंट लाइब्रेटी माना जाएगा ये चार में से किसी एक में आपकी लाइब्रेटी आ जाती है तो उसको करंट लाइब्रेटी माना जाएगा बहुत सिंपल है ठीक है नाउ देखिए फटाफट फड़ चार चैप्टर है और यही सबसे बड़ा चैप्टर है यह सबसे बड़ा चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अगर खत्म हो जाता है ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो फिर जो बाकी चैप्टर है कंपैरेटिवली बहुत छोटे हैं बहुत ही छोटे बहुत आसान है नाउ ट्रेड पेबल एग्जिस्ट करते हैं ट्रेड पेबल अब अभ अभी तक के ये सारी चीजें फ्लो में थे ठीक है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है ट्रांजेक्शन का फ्लो सारे ट्रांजेक्शन के फ्लो में थे अभी जो ट्रेड पेबल बस इतना आपको याद रखना भाई ट्रांजेक्शन का फ्लो है क्या ट्रांजेक्शन का फ्लो है तो फटाफट याद कर क्या पैसा अब ये ट्रांजेक्शन का फ्लो नहीं है नाउ ट्रेड पेबल ठीक है ये ट्रांजेक्शन का फ्लो नहीं है ठीक है इज नॉट ट्रांजेक्शन फ्लो दिस इज ऑडिट फ्लो पहले हमको यह चेक करना है कि क्या ट्रेड पेबल असली है डू दे एग्जिस्ट ऑडिट ऑडिट फ्लो है यह आपको सिर्फ किस तरह के फ्लो है वो समझना है आपको ये ऑडिट का फ्लो है सर ये ऑडिट का फ्लो क्या है ऑडिट में सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं हमको हमारा फोकस क्या है यह चेक करना क्या क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स असली है ना वेदर दे एग्जिस्ट क्या ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स असली है ठीक है तो पहले इंटरनल कंट्रोल हम लोग पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तो सबसे पहले जाके हम लोग कंट्रोल्स ठीक है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कोई भी चीज कंट्रोल हमारे स्ट्रांग होने चाहिए कंट्रोल हमारे स्ट्रांग होने चाहिए उसके अंदर हमको दिखना चाहिए कि कोई भी क्रेडिटर बुक किया जाता है ओनली वेन एक्सपेंस ऑकर्स हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए जब सही में कंपनी गुड्स एंड सर्विस रिसीव करती है जब कंपनी गुड्स एंड सर्विस रिसीव करती है ठीक है वेन एवर दे रिसीव गुड्स एंड सर्विसेस जब जब भी कंपनी बाहर से गुड्स एंड सर्विसेस रिसीव करती है ठीक है पैसा खर्च करती है एक्सपेंस व्हेन वी रिसीव गुड्स एंड सर्विसेस फ्रॉम आउटसाइडर वी इनकर एक्सपेंस हम एक्सपेंस इनकर करते हैं खर्चे को बुक करते हैं तभी लाइबिलिटी बुक होनी चाहिए पहले सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कि कंपनी जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करती है एक्सपेंस इनकर करती है तभी उसका सेकंड इफेक्ट ट्रेड पेबल बुक होता है सिस्टम इतना स्ट्रांग है खर्चा बुक होगा तभी ट्रेड पेबल आता नहीं तो नहीं आता है वेरी गुड मतलब जितने भी ट्रेड पेबल्स है ये जेन्यून लग रहे हैं बहुत बढ़िया है। दूसरा सिस्टम में कोई भी एक्सपेंस की डबल बुकिंग नहीं हो सकती है डबल बुकिंग एक ही परचेस बिल की दो बार बुकिंग नहीं हो सकती है क्योंकि परचेस इन्वाइस नंबर डालते हैं अगर वापस बुक करोगे तो बता देगा कि भाई साहब ये तो डबल बुकिंग है तो कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होने चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या कंपनी में बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल्स है जो इंश्योर करते हैं कि रियल क्रेडिटर्स होने चाहिए बोले यस एक्सपेंस बुक होने के बाद ही क्रेडिटर्स बुक होंगे वेरी गुड डबल बुकिंग एक्सपेंस बुक होने के बाद ही क्रेडिटर्स बुक होंगे वेरी गुड ठीक है फिर डबल बुकिंग नहीं होगी वेरी गुड ंग्स एंश्योर्स डेट क्रेडर्स आर रियल यह कंट्रोल इंश्योर करते हैं क्रेटर्स रियल है जो पहला पॉइंट है जो पहला पॉइंट है वो टी ओ सी का है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो बाकी के पॉइंट है वह टी ओडी के है टेस्ट ऑफ डिटेल्स अब बैलेंस शीट के अंदर क्रिएटर है बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्रिएटर है आपको चेक करना है क्रिएटर बराबर है ना ठीक है पहले एक काम करिए जनरल लेजर में जनरल लेजर में जनरल लेजर में आपका क्रेडिटर्स अकाउंट होगा जनरल लेजर में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको यह बताया था कि नहीं बताया था ठीक है फिर भी आपको बता दूं हमारे जो लेजर्स है हमारे लेजर्स है ये हमारा क्रेडिटर्स लेजर है ये हमारा जनरल लेजर है एक हमारा क्रेडिटस लेजर एक है हम... एक हमारा क्रेडिटस लेजर है एक हमारा जनरल लेजर है ले, ले, और एक हमारा डेटर्स लेजर है डेटर्स लेजर है जनरल लेजर में क्रेडिटर्स की कमी हो गई है क्रेडिटर्स की कमी जनरल लेजर में क्रेडिटर्स की कमी हो गई है इसको पूरा करने के लिए यहां पे एक टोटल क्रेडिटर्स जनरल लेजर टैली नहीं होगा ना जनरल लेजर टैली नहीं होगा क्यों टैली नहीं होगा क्रेडिटर्स की कमी है इसलिए वो कमी पूरा करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है जिसको सीएलए कंट्रोल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं यहां पे डेटर्स यहां पे टोटल डेटर्स बनता है उसको डीएलए बोलते हैं क्रेटस लेजर है डेटस लेजर जनरल लेजर जनरल लेजर में क्रेटर्स की कमाई कमी है तो सीएलए बनता है ठीक है डेटर्स की कमी है डेटर्स की कमी है तो डीएलए बनता है ये जो टोटल क्रिएटर अकाउंट है ये क्रिएटर लेजर से हमेशा मैच होना चाहिए ये मैंने आप लोगों को बताया था शायद आई रिमेंबर थोड़ा तो मैंने आपको बताया था लेकिन फिर से बता दूंगा तो भी चलेगा फिर जो डीएलए है डेटर लेजर से मैच होना चाहिए अगर ये चीजें मैच होगी मतलब सिस्टम्स एक्यूरेट है सिस्टम्स एक्यूरेट है एक्यूरेट है ऐसे हमको सिस्टम्स uh, एक्यूरेट है ऐसे हमको पता चलता है दिस इज वॉट मैसेज वी गेट ठीक है ये समझ में आपको और ये कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं क्योंकि ये एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं इसीलिए इनको कंट्रोल अकाउंट्स बुलाया जाता है दीज आर कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट्स ये हमारे कंट्रोल अकाउंट्स है दीज आर आवर कंट्रोल अकाउंट्स विच इंश्योर एक्यूरेसी ठीक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्रेटर के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फिर आपके बैलेंस शीट में ठीक है सिंपल सा बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं वो जनरल लेजर में जनरल लेजर में जो टोटल क्रेडिटर्स दिख रहा है उससे मैच होना चाहिए डन वहां पे जो टोटल क्रेडिटर्स है जनरल लेजर के वो क्रेडिटर लेजर से मैच होना चाहिए सिंपल बैलेंस शीट बैलेंस शीट टू जनरल लेजर जनरल लेजर टू क्रेटर्स लेजर बोले मैच हो गया बहुत बढ़िया चीजें मैच हो गई तो बोले बहुत ही बढ़िया है फिर आपका जो जनरल लेजर है देखो जनरल लेजर जनरल लेजर जो जनरल लेजर में टोटल क्रेडिटर्स है वो सही है ना वो हमको चेक करना है तो जनरल लेजर टू क्रेडिटर लेजर क्रेडिटर लेजर से हमने पहले मैच कर लिया आपके क्रेडिटर्स लेजर से मैच कर लिया, मैच हो गया अब आप सिस्टम से क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट निकालो एजिंग रिपोर्ट का जो टोटल है वो भी जनरल लेजर से मैच करना चाहिए अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट निकालो एजिंग डेटस क्रेडिटर्स एजिंग बहुत सिंपल है कितने क्रेडिटर्स हमको पे कितने क्रेडिटर्स से साठ दिन पुराने हैं कितने साठ दिन, दिन से नब्बे, दिन पुराने हैं, कितने नब्बे दिन से एक सौ अस्सी दिन तक पुराने हैं। उसको एजिंग बोलते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड एस क्रेडिटर्स एजिंग उसको क्रेटर्स एजिंग हम लोग बोलते हैं तो क्रेटर्स के एजिंग से तो जनरल लेजर पहले मैच हो गया आपका क्रेटर लेजर से बहुत बढ़िया फिर वो मैच हो गया आपके एजिंग रिपोर्ट एजिंग में ब्रेकअप होता है कितने पुराने क्रेडिटर्स है उसकी टोटल भी मैच हो गई मतलब क्रेडिटर्स सही है फिर पार्टी वाइज पार्टी वाइज अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट है अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट है जो आपकी अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट है अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट है उसकी टोटल से भी मैच होना चाहिए उससे भी मैच हो गया बहुत बढ़िया अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो क्यों डिफरेंस है वो देखना चाहिए वाई देर इज अ डिफरेंस क्यों डिफरेंस है अगर कोई डिफरेंस आया तो कभी कभी डिफरेंस हो सकता है देयर कैन बी डिफरेंस ठीक है कोई डेटा क्रिएटर सेट ऑफ किए थे वो एंट्री पास नहीं हुई थी इसलिए डिफरेंस था ओके तो डिफरेंस इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जर्नल एंट्रीज जेवीज जो रूटीन एंट्रीज होती है वो तो ऑटोमेटेड होती है

जनरल लेजर टू एजिंग रिपोर्ट जनरल लेजर टू ट्रेड पेबल सब जगह से मैच कर ले चीजें मैच हो रही है रिकनसाइलिंग आइटम है तो उसको देख लेंगे करेक्ट रिकनसाइलिंग रिकनसाइलिंग अगर आइटम्स रिकनसाइलिंग आइटम्स होंगे तो वो हम लोग देख लेंगे ठीक है और जनरल एंट्रीज भी हमने चेक कर ली नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हम ही असली ओनर है कैसे चेक करेंगे तो जो भी जो भी प्रॉपर्टी जो भी फिक्स एसेट्स फिक्स एसेट्स के फिक्स एसेट्स के प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के हम ही असली उन्हें कैसे चेक करेंगे जितने भी फिक्स एसेट्स ठीक है जितने भी हम लोगों ने केयरफुली इस साल जितने भी फिक्स एसेट्स खरीदे उन सबके हमने इनवॉइस देने चाहिए

अब ये ओनरशिप ओनरशिप है ओनरशिप कैसे प्रूव हो सकती है उसके बारे में सोचो यहां पे कोई खास फ्लो की तो ओनरशिप के बारे में सोचो पहले इन जनरल सभी प्लान मशीनरी मशीनरी हमने खरीदी मशीनरी हमने खरीदी इन्वाइसेस हमारे नाम पे होने चाहिए डन अगर लैंड एंड बिल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसके जो टाइटल डीड्स होते हैं अग्रीमेंट टू सेल बनता है उसमें अग्रीमेंट टू सेल बनता है अग्रीमेंट टू सेल बनता है सेल डीड बनती है सेल्डेड बनती है कन्वेंस डील बनती है वो हमारे नाम पे होनी चाहिए ठीक है बहुत बढ़िया उसकी कॉपी हमने ओरिजिनल भी देखनी चाहिए हमने ओरिजिनल कॉपी देखनी चाहिए अरे वो बहुत बहुत हाई वैल्यू होते है लैंड बिल्डिंग बहुत हाई वैल्यू होते है उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते हम लोग कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बताओ हम देखने होते हैं हाँ ओरिजिनल हमारे नाम पर ही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है सिक्योरिटी के लिए किसी फाइनेंसर्स को दिए हैं तो हम लोगों ने उससे कन्फर्मेशन लेना चाहिए कंफर्मेशन उसको बोलो कंफर्मेशन देगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और सही में अगर फाइनेंसर्स को दिया है तो रजिस्ट्रेशन उसके फेवर में चार्ज उसके फेवर में चार्ज क्रिएट होना चाहिए तो बहुत आसान पहले पहले आप पहले आप प्लांट्स मशीनरीज प्लांट आप ऐसा सोच सकते हैं पहले मूवेबल के बारे में सोचो मूवेबल एसेट आप मूवेबल एसेट्स आपने जितने भी खरीदे प्लांट मशीनरी व्हीकल जितने भी खरीदे सबके इनवॉइस आपके नाम पे होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके नाम पे होनी चाहिए आपके नाम पर है आप इसके मालिक है डन पहले आपने निपटा दिया कौन से किसको निपटा दिया आपने पहले मूवेबल को फिर इमूवेबल के बारे में सोचो इमूवेबल के लिए ठीक है अग्रीमेंट टू सेल बनता है सेल सेलडेड बनता है कन्वेंस कन्वेंसिड बनता है वो आपके नाम पर होना चाहिए ठीक है उसके लिए आप पहले जेरोक्स कॉपीज लो ठीक है ओरिजिनल कॉपीज भी देखो बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है अपने ओरिजिनल कॉपीज भी देखनी चाहिए यू शुड सी ओरिजिनल कॉपीज ऑल्सो ठीक है ओरिजिनल कॉपी भी ओरिजिनल कॉपी भी आपने देखनी चाहिए ओरिजिनल कॉपी भी आपने देख ली ओरिजिनल कॉपी देखने के बाद में देखिए तो बहुत बढ़िया अगर फाइनेंसर को दिए तो उससे कंफर्मेशन लेके आ जाओ और अगर सही में एज ए सिक्योरिटी दी है तो रजिस्टर ठीक है चार्ज शुड बी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज दिखना चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज दिखना चाहिए इन द फेवर ऑफ द फाइनेंसर करेक्ट ये बात समझिए आपको इज दिस पॉइंट क्लियर बहुत सिंपल है साहब बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है लेट्स टेक अ ब्रेक हम लोग अच्छा जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है वी आर डूइंग गुड डेढ़ घंटे में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हम बैंक देखे कोऑपरेटिव देखेंगे और बैंक देखेंगे ये चीजें भी हमारी खत्म हो जाएगी ठीक है लेट्स टेक अ ब्रेक ब्रेक लेते हैं